बैतूल के सबसे बड़े स्वशासी जेएच कॉलेज में छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। विवाद में एक छात्र घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद कॉलेज में छात्रों के वीडियो बनाने को लेकर होना बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्र विशाल वर्मा के मुताबिक वे आज अपने साथियों के साथ कॉलेज के कमरा नंबर 19 में बैठे थे, तभी 30 से 40 छात्रों का एक समूह कमरे में घुसा और उसे पाइप से पीटने लगा। वहीं कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य अनीता सोनी ने बताया कि आज कॉलेज में दर्जनों छात्र कॉलेज के बाहर गेट पर खड़े थे, जबकि उतने ही छात्र अंदर की ओर खड़े थे। बाहर खड़े छात्र लोगों को आने जाने से रोक रहे थे, जिसके चलते यहां अव्यवस्था हो रही थी। वहीं टीआई एबी मास्कोले ने बताया कि कॉलेज से विवाद की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा था और यहां किसी से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलवाया। इस मामले में घायल हुए छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी शिकायत आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, आज मैं 19 रूम नंबर क्लास 19 रूम नंबर में बैठा था अपने दोस्तों के साथ। वो एकदम से आए, कम से कम 40 लड़के थे, उनने एकदम से हमला करा, एकदम से ही मारना चालू कर दिया। पीछे से चारक पाइप मारे तो मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं मालूम सर। कोई विवाद हुआ, कोई बात हुई थी? सर, विवाद तो मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूचना मिली थी कि जीएच कॉलेज में जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, दो पक्षों में विवाद हो गया है, तो वहाँ मौके पर तत्काल मैं एसडीओपी साहब और थाने का बल तत्काल पहुँचा। तो वहाँ पर कुछ लड़के इकट्ठे थे, उनसे पूछताछ करने पर किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि झगड़े की वजह क्या है। ना कुछ नहीं हुई, कुछ बच्चे भीड़ के रूप में बाहर खड़े थे और कुछ बच्चे अंदर खड़े थे, तो बाहर वाले बच्चे अंदर वाले बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे थे और इतनी भीड़ थी कि हम चेहरा तो किसी का भी नहीं देख पाए। कितने लड़कों को लगी है इसमें? क्या एक लड़के को लगी है, वो बेहोश हो गया तो उसको हॉस्पिटल में भेज